हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे, तो नरेशन में आज हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल चेंजेस होते हैं, उसको देखते हैं। बच्चों मैं लिख दिया हूँ, इसलिए लिख दिया हूँ इस पर ताकि आपका टाइम बचे और मेरा वीडियो बहुत बड़ा ना बन जाए, इसलिए मैं लिख दिया हूँ इस व्हाइट बोर्ड पर। तो चलो उसको चेंज करते हैं बच्चों, कि कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, उस सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए रामू जो है ना वो इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे आ गया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस माने होता है संबोधन कारक। ठीक बच्चा, जब नाउन को संबोधित किया जाए उसको हम कहते हैं संबोधन कारक या इंग्लिश में वोकेटिव केस। वही चीज यहाँ पर है, रामू को, ये रामू यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर माई सन सन नाउन है, सन नाउन है। तो यहाँ पर टीचर ने रामू को संबोधित किया है रामू कह करके। ठीक बच्चों ना, यहाँ पर वो जो ये फोर्ड फार्मर है ये अपने बच्चों को माई सन कह के संबोधित किया है। ठीक बच्चों ना, दोबारा देख लीजिए, जब नाउन वोकेटिव केस में आ जाए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो हम क्या करते हैं उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक बच्चों, यहां देख लीजिए, टीचर ने कहा, किससे कहा? रामू से कहा। वो अलग चीज है कि रामू आ गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन जरा देखिए आप, रामू से ही कहा ना, रामू से कहा, इसमें टीचर ने रामू से कहा, रामू इस रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे बनेगा, टीचर टोल्ड रामू दैट, कंजंक्शन लगाएंगे और आई मीन टीचर जगह ही, आई का सेल है, ही का विल हो जाएगा, विल का उड हो जाएगा, डिड यू मीन्स रामू हो जाएगा यहां पर हिम अ बुक। ठीक बच्चों, इसको देखते हैं, थोड़ा ये जटिल लग रहा आपको लग रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए ना, दो बार डबल कॉमा जा रहे हैं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो ये जो फॉर्मर है ये सेट है, फिर उसके बाद वर्ड फॉर्मर है, इसको मैं ऐसे करेंगे, द ओल्ड फॉर्मर, ठीक है, सेड सेड है ना, हो जाएगा सेड ही सन्स हो जाएगा, सेड टू ही सन्स हो जाएगा, तो सेड टू ही सन्स हो जाएगा, इसको हम कर देंगे टोल्ड, टोल्ड हिज सन्स दैट। ठीक बच्चे, समझ आ रहा हूं आपको, माय सन्स माने किसके सन्स? फार्मर के ना, तो ही सन्स हो जाएगा और दैट, अब बाकी हम आसानी से कर लेंगे, आई मीन कौन है? फार्मर है, हो जाएगा ही, मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं यहां पर फार्मर। आई एम प्लांटिंग है, हो जाएगा ही वाज प्लांटिंग, क्या दीज ट्रीज हो जाएगा, दो ट्रीज फॉर यू, यू माने किसके लिए? बच्चों के लिए ना, हो जाएगा देम। ठीक बच्चों, इसको देख लेते पहले एक बार और, सेड द ओल्ड फार्मर, ओल्ड फार्मर ने कहा, मेरे बच्चों आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू, मैं इन पौधों को तुम्हारे लिए लगा रहा हूं। मतलब ये है कि ओल्ड फार्मर ने अपने बच्चों से कहा, इट मीन्स द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज, ही वॉज प्लांटिंग दो ट्रीज फॉर यू और देव। ठीक बच्चों, अब यहां देखिए, कभी कभी क्या होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच में वेल आ जाएगा, यूसी आ जाएगा। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इन शब्दों को नहीं लिखते, जरूरत नहीं पड़ती है, इनके बिना भी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच आसानी से बन जाता है, तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखते। जैसे देख लीजिए आप, मदर ने कहा ना, वेल राम, वेल राम आई शैल गिव यू ऑफ, आई शैल गिव यू प्राइज, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। मदर सेड राम है,
हो जाएगा टोल्ड राम। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक बच्चों ना, ऑब्जेक्ट है, हम क्या करेंगे इसको, सॉरी यहां रहेगा ये, ऐसे रहेगा। तो ये क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे और दैट कर देंगे। आई है हो जाएगा सी, सेल है आई का सेल, सी का हो जाएगा व्हील, व्हील का हो जाएगा वुड। गिव यू, यू मतलब किसको, राम को, जाएगा हिम प्राइज। ठीक बच्चों, दोबारा देख लेते हैं। राम ने कहा वेल राम, ठीक राम, आई शैल गिव यू प्राइज। तो मदन ने राम से कहा कि वह उसे प्राइज देगी। तो ये इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे यू सी कभी कभी आ जाता है ना, तो यू सी यहाँ पे आया हुआ है, हम यहाँ पर भी इसको नहीं लिखेंगे, तो इसके बिना भी हमारा वाक्य सही बनेगा। द फादर सेड, इसको हटा देंगे पूरा, सेड दैट आई कैन नॉट हो जाएगा, तो जाएगा आई मतलब कौन, फादर है ना, तो जाएगा ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग। फादर ने कहा, तुम समझ सकते हो कि मैं ऐसी चीजों को सहन नहीं कर सकता। फादर ने कहा कि वह ऐसी चीजों को सहन नहीं कर सकता था। ठीक है बच्चों ना, तो आपको समझ आया होगा कुछ स्पेशल चेंजेस थे। तो ये अब तक हम जो नरेशन पढ़ रहे थे, उस नरेशन में हम लोग अब तक असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, तब बड़ा था बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इसे हम एस नो टाइप वाला क्वेश्चन कहते हैं। बच्चे यहां पर क्या होगा, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम क्या करेंगे, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, सबके साथ रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देंगे। सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देंगे, ये सबके लिए, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो। अब क्या करें, अगर हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसके लिए अब रूल ये है कि इसमें जो हम कंजंक्शन लगाएंगे वो हमारा कंजंक्शन क्या होगा, इफ होगा या वेदर होगा। ठीक बच्चे ना, कंजंक्शन क्या होगा, इफ या वेदर। और आपको बता दे रहा हूं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा पहचानोगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में पहचानने के जो इसके तरीके ये हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड और मॉडल जो एयू वर्ब्स हैं, इन सबसे वो प्रारंभ हुआ रहेगा। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा, देखते हैं। और उसके अंत में क्या लगा रहेगा, मार्क ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, आप आसानी से पहचान लेना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सी सेड डू यू नो मी, उसने कहा क्या तुम ये जानती हो या जानते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी, अब देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, इट मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखेंगे, सी शेड को चेंज कर देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में,
कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे, अब तक आप इफ ही लगाइए, इफ हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी समझने वाली बात है कि ये इंटरोगेटिव है, ये जाएगा पूरा वाक्य असर्टिव में, पूरा ये पूरा वाक्य हम किसे चेंज करेंगे असर्टिव में। लेकिन असर्टिव में दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव दूसरा होता है नेगेटिव। बच्चों ये वाक्य सिर्फ इंटरोगेटिव है, जाएगा पॉजिटिव में। अगर डू यू नॉट नो मी हो जाता तो जाता हो नेगेटिव में, ठीक है ना। ये जाएगा असर्टिव में, इफ यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं मान लिया हमने ही मान लिया तो जाएगा यहाँ पर ही मान लिया तो जाएगा यहाँ पर ही। ये जाएगा प्रेजेंट का एंड ऑफ सेंटेंस है, जब पॉजिटिव में जाएगा तो पास्ट के एंड ऑफ सेंटेंस में चला जाएगा, तो उसके पॉजिटिव में चला जाएगा तो जाएगा ही न्यू, ठीक है ना। ही न्यू मी बदलेगा ठीक अनुसार तो हर और फुल स्टॉप हो जाएगा। बच्चों यहां पर समझने वाली बात है कि यहां देख लीजिए आप, ये वाक्य सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, जाएगा पॉजिटिव में, ठीक बच्चों। देखो आप पॉजिटिव चला गया कि नहीं, यहां से देखिए आप पूरा वाक्य हमारा सेटिंग चेंज हो गया। अगर ये डू यू नॉट नो भी होता, यानी नेगेटिव में भी होता, यानी इंटरोगेटिव भी होता और नेगेटिव भी होता, तो ही डिड नॉट, तो फिर अगर ही डिड नॉट नो हर हो जाता। चलिए एक और वाक्य देखते हैं, रवि सेड टू हर, विल यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। हरि ने उससे कहा क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगी, तो हो जाएगा बच्चों रवि है तो रवि हो जाएगा, सेड टू है हो जाएगा आस पे या इंक्वायर्ड ऑफ कोई करेंगे हर, इफ कंजंक्शन लगाएंगे और यू बदलेगा हर के अनुसार हो जाएगा यहां पर सी, और विल ही रहेगा, विल का आउट हो जाएगा। अब बच्चे देखिए नॉट आया ना, जब नॉट आया तो ये नॉट यहां बना रहेगा, इट मीन जो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो जाएगा यहां से अगर देखें जाएगा नेगेटिव में, यस ही वुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन, और फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बच्चे देखिए यहाँ पर रवि सेड टू हर, रवि ने उससे कहा विल यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो हो जाएगा रवि आस्क्ड हर इफ सी वुड नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। और देख लीजिए रमेश सेड, डू यू, कई बार आता है लेकिन डज ही नॉट कंप्लीट हर वर्क एट हाउस। रमेश ने कहा डज ही नॉट कंप्लीट हर वर्क एट हाउस, क्या वह अपना काम घर पर पूरा नहीं करती है। बच्चों यहां से तो आपको क्लियर हो रहा होगा, रमेश सेड है तो हो जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ में करते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ कंजंक्शन लगाएंगे इफ। अब देखिए यहां पर यह इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, जाएगा नेगेटिव में इफ सी, ये थर्ड पर्सन का इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इफ सी डज नॉट है तो जाएगा डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क एट हाउस, ठीक बच्चों। और देख लेते हैं वाक्य कुछ, बच्चों अब तक हम इफ लगा रहे थे, वेदर का प्रयोग कहां करें ये देख लेते हैं।
वेदर का प्रयोग वहां ज्यादा अच्छा माना जाता है जब आपको सिलेक्शन करनी हो, सिलेक्शन चुनाव करना हो, इन दो चीजें हैं उसमें से एक चीज को आपको सेलेक्ट करना हो तो वहां पर वेदर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में ज्यादा अच्छा माना जाता है, तब वहां करें इसका प्रयोग। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, विल यू प्ले हॉकी और क्रिकेट? बच्चे देखिए यहाँ पर टीचर ने छात्रों से कहा विल यू प्ले, तुम लोग क्या तुम लोग खेलोगे हॉकी और क्रिकेट, हॉकी या क्रिकेट? यहाँ पर देखिए टीचर ने बच्चों से कहा क्या तुम हॉकी या क्रिकेट खेलोगे। अब देखिए यहाँ पर जो हॉकी है एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्रिकेट है, यानी आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या खेलोगे हॉकी या क्रिकेट। तो ऐसे चीज में क्या करेंगे कंजंक्शन वेदर ज्यादा अच्छा माना जाता है, आप यहाँ पर वेदर का प्रयोग करें हो जाएगा टीचर asked the student whether हो जाएगा whether you है हो जाएगा they और would हो जाएगा will का play हॉकी और क्रिकेट question mark। ठीक बच्चों समझ आया होगा आपको, सच्ची मेरा प्रयास है कि वीडियो भी छोटा ही बनाऊं और अगले वीडियो में मिलेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक लेंगे, लेकिन हाँ आप लोग मेरी वीडियो को देखें जरूर, उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें।